सर अभी तो मैं मामा जी के यहाँ हूँ। ओके, ज्वाइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट चैंटिंग ऑफ ओमकार थ्राइस। So Sai Ram to one and all present over here, and very good morning. One thing that I would like to ask, because in last period I asked you, Sai Ram, that is, how many of you completed your notebook up to current chapter? Please raise hand. I am able to see. Achha, Lex also completed, Lex. सर कंप्लीट कर ले, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता सर, मैं आपको। ओके, अनुमेगा कंप्लीटेड, योम कंप्लीटेड, अर्पिता कंप्लीटेड, सोमना कंप्लीटेड, सोमना लिटिल बिट लेफ्ट, 12 लेफ्ट, क्यों लेफ्ट? हैंड्स डाउन बेटा, देखो ज्यादा बिगड़ो मत तुम लोग, है ना? कोरोना तो आएगा, कोरोना चला जाएगा, तुम भी वही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। सर 2.0 भी आ गया। अरे कुछ नहीं आ गया, सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं आ रहा है, सब बढ़िया है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, अच्छा खाओ पियो, फालतू चीजें मत खाया करो। बोल रहे हैं कि कोरोना का छोटा भाई आ गया। कोई नहीं, कोरोना का सर कोरोना से तो ठीक भी हो जाते हैं, तो अगर 2.0 हो जाता तो डायरेक्ट ही ऊपर का टिकट है। कोरोना दोरोना पे जाके खत्म हो जाता है, तो एक बार दोरोना दोराना हो जाओ, कोरोना खत्म। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अभिषेक यादव, वाह क्या बात है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर वर्क। अग्रिमा दीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सर असेक्सुअल में वो सेल्स नहीं लगते हैं, सेक्सुअल में लगते हैं, ऐसे ही समझ में आया। ऐसे समझ में ऐसा ही समझाया था क्या? यस अनु सर, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ एनी सीड्स, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द यूज ऑफ सीड्स। ओके यस व्योम, व्हाट डू यू मीन बाय सर? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू वंस लाइक अस। ओके, सौम्या दीदी। यस सर। व्हाट टर्म वी यूज फॉर द सेक्स सेल्स? रिपीट द क्वेश्चन सर। व्हाट टर्म यूज फॉर सेक्स सेल्स? Yes, Pankti. Not clear. Gametes. Gametes. Sex gametes are the terms. Okay, very good. So we were talking about the asexual mode of reproduction, that is called vegetative propagation also. And in vegetative propagation, new plants are produced from the parts of old plant known as parent plant, like from stem, roots, leaves. Okay, actually vegetative propagation, it involves the growth and development of one or more buds on the old parts of the plant to produce a new plant. One chikai sandesh. Okay, so vegetative reproduction is part, one of the part of asexual reproduction. And since reproduction is through the vegetative part of the plants, that's why it is called vegetative propagation. And all of you know that when we cut a branch of rose plant with a node,
So this piece of branch is termed a cutting. And when we bury the cutting in the soil, a node is this piece of branch is buried in the soil. Okay? A node, that is the part of stem, हमेशा उसी पार्ट में से लीफ आना शुरू होती है. एंड व्हेन वी वाटर द कटिंग स्टेम एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, विल सी हाउ द न्यू लीव्स आर कमिंग आउट. हैव यू एवर ऑब्जर्व रोज कटिंग दैट यू बरी इन द सॉइल एंड दैट यू टेक इट फ्रॉम द ओल्ड प्लांट और पेरेंट प्लांट. Have you seen how the potato start sprouting from its eye? There is eye present of the potato. This is also when we bury the potato in the soil, the new something start growing from the eye. This is the same as in the ginger. आपने जिंजर में घर में देखा होगा बेटा. Okay. So, and bryophyllum, that is sprout leaf plant. मैंने इसका हिंदी में नाम बताया था, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पत्थर चट्टा. Very good, पत्थर चट्टा. And it is good for the health of our kidney. It we get relief from the stone. And bryophyllum, it starts growing from the leaves. The leaf of bryophyllum with bud. Yes, beta. मैंने उसे उस leaf को burrow कर दिया है. हाँ, उसको burrow buried नहीं भी किया जाए. If we place it on the soil and water it, or the soil is wet, then automatically the leaves start coming out from it. Sorry, roots start coming out and that roots will go inside the soil, and then later plant develop. This bryophyllum. Yes. So very interesting. It was bryophyllum, and you heard about the yeast. आपने yeast के बारे में सुना है बेटा? Yes, sir. अच्छा, from where we use it? In cakes. Yes, very good. Okay. So रूट से भी कुछ होते हैं. मैं अभी यीस्ट के बारे में बताता हूं. आपने देखा होगा डहलिया, देखा है स्वीट पोटैटो? क्या सर? यस सर. स्वीट पोटैटो शकरकंद. शकरकंद भी क्या बोलते हैं? हाँ. सो द रूट्स ऑफ प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट. स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर द एग्जांपल्स. यू हर्ड अबाउट द कैक्टस? So plant like yes, produce new plant with their parts, get detached from the main plant body, and each detached part can grow into a new plant. Ab, what are the advantages of vegetative propagation? क्या क्या फायदे होते हैं? Number one, yes, beta. They can reproduce at far distances. Okay, agree, ma. The same time, the single parent is involved in the vegetative propagation. Single parent. And that single parent, that and the plant produced by the vegetative propagation take less time to grow. बहुत जल्दी grow कर जाता है. And in less time it bears flowers and fruits. मतलब when we compare it with the plant which develop when we buried the seeds in the soil, it will take more time. So the plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bears flowers and fruits. Second thing, new plants are the exact copies of the parent plants as they are produced from सिंगल पेरेंट. अभी हम अपने आप को देखें तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो पार्ट ऑफ आवर फेस
is similar to our mother and part of our face is similar, some features are similar to our father, because we are the combination of both the parents, father and mother. But the plant which arise or developed from a single parent are the exact copy and takes less time to bear flowers and fruits. Yes, beta. तो कई लोग कहते हैं कि ये जो फेस कट है वो मौसी के ऊपर गया है, कई लोग कहते हैं ये जो नाक है वो किसी और के ऊपर गई है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर when we start thinking there are two branches are involved in our body, one is from the mother side and another one is from the father side. Yes. So the same DNA, father, father's brother, father's father, grandfather, their brothers, all are, and we also, we are in a single branch. Same in the mother side, mother, mother's sister, nani ji, nani's brother, and all father, they are in the single branch. So that's why कई बार हम देखते हैं, कई बार हमको लोग कहते हैं कि जो नाक है वो जो मौसी की तरह है, कान है वो चाचा की तरह है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं. यस, तो ये सब इसीलिए होता है कि बिकॉज आर बॉडी, हमारे बॉडी में देखो बेटा क्या कॉमन है, दैट इज द डीएनए दैट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें बोर बहुत लेट ज्वाइन करते हो क्लास. Yes, beta, that sexual reproduction in human beings, because we, two parents, two sex gametes are involved. In class 8, you will learn about it. The male sex gamete known as sperms and female sex gametes are known as eggs. Am I bored? Am I? Very good, very good. So, in this way, so what are the advantages in the vegetative propagation is clear? Any doubt about it? Now one more thing, that is about the development of reproduction in yeast by budding. A bud kya hota hai? Is something that developed on the man part, that something start bulges out, कुछ उभरा हुआ हिस्सा रहता है. आपने देखा होगा कि why we use yeast in making cake. I will come to this point. If you purchase yeast powder and place it on a slide and add some sugar and dissolve in water and keep it in warm temperature, तो यू विल सी क्या करना है, थोड़ी सी ईस्ट पाउडर लेना है, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर में इसको कुछ पानी में रख देना है, फिर शुगर मिला देना है, उसको डिसॉल्व कर देना है, वार्म पार्ट में रखना, थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए, और इसमें से जरा सा टेक वन ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड एंड कीप इट ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो यू विल से हाउ द न्यू सीड्स, small bulb-like projection start coming out from the yeast cell and that is called bud. ये क्या कहलाती है बेटा? Bud कहलाती है. तो ये जो bud develop होती है, आप अपनी book में इसका diagram देख सकते हैं. I will show you also कि how the bulb-like projection coming out from the yeast, that bud, and bud gradually grows. ये धीरे-धीरे बड़ी होती है and when it become mature. This bud, matured bud, detached from the parent cell and form a new yeast cell. और अपने आप एक नई yeast cell बना लेते हैं. And the new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells. And in this process, if this process continues, so many yeast cells are produced in a short interval of time. This is also one of the very important example of vegetative propagation, and this takes place in the yeast budding. Okay, beta, ये बात clear हो गई?
एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था. ओके, इज देयर एनी डाउट इन द बडिंग? नो सर. सर यीस्ट एन ऑर्गेनिज्म है ना? यस, जिसमें अपना केक में यूज होता है. एक होता है, इसके बाद आता है आपका फ्रेगमेंटेशन. बताइए फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? इसके जो नोट्स बनाए आप अपने लिए बहुत अच्छे से ही नोट्स इसके तैयार करें. फ्रेगमेंटेशन एल्गे. वेरी गुड, वेरी गुड. हैव यू सीन बेटा सच ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज? Yes, sir. These are the algae. And when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. So, fragmentation का मतलब क्या होता है? Fragmentation का मतलब होता है break होना, टूट जाना. एक part one part break into two parts. So, two parts break into four parts. So, four breaks into how many parts? Eight parts. And 8 into 16. Like this. Yes. Yeah. So in this way, the fragmentation also takes place rapidly. When algae breaks into more fragments, these new individuals. These fragments जो टुकड़े होते हैं, pieces होते हैं, they grow into new condition. और आप देखेंगे that's why this process continues and in a short period of time, large area is covered by the algae. Fragmentation in Spirogyra. Spirogyra is one of the alga. Alga को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? बहुत तेजी से ये फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है. सर आई हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. यस बेटा. सर अगर एल्गिया जो है वो अगर एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर, तो नीचे जो रहते हैं बहुत सारे एनिमल सी क्रिएचर्स रहते हैं, लाइक फिशेज रहती है, ऑक्टोपस वगैरह रहते हैं. तो सर वो उन लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो इससे वो मर जाते हैं और वो बहुत इफेक्ट करती है. यस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो आप बता रहे हैं कि एल्गा को न्यूट्रिएंट्स यहीं से मिल जाता है जो डेड एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि जहां भी इसको वाटर और वो मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ये बहुत तेजी से ग्रो करती है. अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन, चैप्टर वन में भी आप स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. यू हर्ड अबाउट द फंगस और फंगाई दैट ग्रो ऑन द पीस ऑफ ब्रेड एंड इट ग्रोज फ्रॉम द स्पोर्स. तो वेयर आर स्पोर्स प्रेजेंट? स्पोर्स प्रेजेंट इन द एयर, है ना. सो व्हेन वी ऑब्जर्व द स्पोर्स And just like आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है उसके ऊपर कॉटन लाइक मैश बन जाता है. When spores are released, they keep floating in air. They are very light in body. Spores जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं. And that's why they can cover long distances with the help of air. And spores are also asexual reproductive bodies. But one important point regarding the spore is that each spore is covered by a hard protective coat. इसके चारों तरफ एक hard protective coat होता है. Why? To withstand unfavorable conditions. Otherwise, जो high temperature, low humidity के कारण ये break हो सकता है, ये damage हो सकता है. So because of hard protective coat around the spore, they can survive in unfavorable conditions. And under favorable condition,
spore germinates and develop into new individual. So examples, moss, ferns, they are reproduced by means of spores. तो बेटा हमने कौन कौन से देखे हैं अभी तक जिसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द फर्स्ट इज कटिंग. कटिंग किसमें होता है? रोज प्लांट. रोज वी लर्न अबाउट द हाउ पोटैटोज ग्रोज स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई. जिंजर आल्सो. जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट रूट. Bryophyllum, that is leaf. Then yeast, yes. Budding. Budding किसमें होता है? Yeast में होता है. Okay. And fragmentation. Fragmentation in algae. And spore formation किसमें होता है बेटा? In moss and ferns. इसमें हमारा इतना ज्यादा these are the examples of different asexual mode of reproduction. बेटा मैंने अमय भोर का नाम लिया था. May I talk to अमय भोर? आदित्य am I audible? व्योम? Yes sir. आरुष? Yes sir. हाँ बेटा थोड़ा सा कभी कभी कैमरा ऑन कर दिया करो तो हम लोग हमको आप देखोगे. अभी ना आदित्य बैठा है अपनी जगह पे ना अमय भोर बैठा हुआ है. यस सर. आदित्य शर्मा कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर. क्यों नहीं करते? शर्म आती है क्या मुझसे? नहीं सर. नहीं मुझे तो ऐसे ही लगता है. ये बाकी के कहाँ हैं? अमय भोर घर जाके बुलाऊं क्या बेटा? ये यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन फॉर सम टाइम इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑल द टाइम. व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल? आई एम नॉट आई एम वेरी मच वरीड. व्हाई आर यू अनकंफर्टेबल? सो ऑल दीज आर लेफ्ट हैंड. वेरी गुड. सो विल सी. अच्छा एक बात मैं और आप सभी से करना चाहता हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने और चाहे तो आप कहीं इस बात को नोट कर लेना. सीबीएसई का प्रोजेक्ट वर्क हमको बहुत जल्दी मिलने वाला है. शायद किसी टीचर ने आपको आपके साथ डिस्कस किया होगा. सर दो टीचर ने करा है. मणिपुर और नागालैंड का आर्ट. अब यहाँ पर हमको फर्स्ट तक ये क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज होना है या एक सब्जेक्ट एक क्लास वन प्रोजेक्ट होगा. वन क्लास वन प्रोजेक्ट इंट्रा डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट. उसमें साइंस भी मैथ्स भी सोशल भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत कंप्यूटर सब उसी में आ जाएगा. लेकिन चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या एक प्रोजेक्ट हो जिसमें सारे सब्जेक्ट अग्रिमांत ध्यान याद हो. दीदी से बोलो जाओ वहां से. मैं पापा से बात करता हूँ. आज ही फोन लगाऊंगा मैं तुमको. आज लगाता हूँ तुमको फोन. मैं अभी रुक जाओ क्लास के बाद. मैं बिल्कुल लगाऊंगा. मैं तो इसमें हमको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ये किसकी करनी है इन्फॉर्मेशन? मणिपुर एंड नागालैंड. मणिपुर और नागालैंड की कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ. आपको टीचर्स ने पहले ही बता दिया हूँ. अगर मैं आप गर्ल्स से पूछूं कि मैं आपको मणिपुर और नागालैंड की ड्रेसेस गिफ्ट करना चाहता हूँ न्यू ईयर में तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे. बिकॉज इट इज इट लुक्स डिफरेंट देन अस. दूसरी बात आती है अबाउट द फूड हैबिट्स. क्या क्या खाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नागालैंड वाले जो खाएं वो हमको भी खाना चाहिए या जो हमको अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगे.
food habits, dresses, their culture, all you collect information of these two states. Now how can we relate it? जैसे मान लीजिए कि साइंस में हम एक चैप्टर कोई भी लेते हैं, जैसे हमारे पास बहुत चैप्टर्स हैं, सपोज हमने ये ले लिया मोशन एंड टाइम, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़ा अच्छे समझिए मोशन एंड टाइम, तो और मैंने कुछ काम दिया है आदित्य एंड व्योम, ये दोनों बाइक से नागालैंड जा रहे हैं, लक्ष्य एंड संदेश ये फ्लाइट से जा रहे हैं, सौम्या अग्रिमा अनुमेगा ये गर्ल्स जो हैं पंक्ति के साथ बाइक कार जा रहे हैं। अब तीन तरीके के हो गए हमारे पास जाने के तरीके, यस अग्रिमा एंड अदर गर्ल्स आर ट्रेवलिंग बाई कार, टू बॉयज आर गोइंग बाई बाइक and two are going by flight. Where are you going? Nagaland. अब नागालैंड जब ये जा रहे हैं, मणिपुर ये जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? अगर गर्ल्स को टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग बाई कार एंड दोज आर गोइंग बाई फ्लाइट, इट विल दे विल टेक लेस टाइम टू रीच देयर. So with the help of formula we can calculate the speed. Uske baad when I land on the land of Manipur and Nagaland, we use local means of transport. Jab hum wahan par, aap sabhi ne bike kar li hai apne apne, Agrima bhi apni bike se ja rahi hai, Anumega bhi bike se ja rahi hai, theek hai. सौम्या को बाइक से आने की इच्छा है, चलो ठीक है सौम्या भी बाइक से चली जाएगी. तब आप बहुत सारे कल्चर देखेंगे, आपको वहां पर खेत दिखाई देंगे, आपको वहां पर भूख भी लगेगी तो आप कहीं खाना खाने भी रुकेंगे, तो जब आप खाना खाएंगे तो आपको डेफिनेटली अलग डिश मिलेगी जो आपकी मम्मी घर पर बनाती है, हो सकता है वो वाली डिश आपको वहां ना मिले लेकिन वहां के किसी बच्चे की डिश मम्मी जो बनाती है डिश वो आपको खाने को मिले. तो हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हुए हम उसके कल्चर को भी समझेंगे. मेरी बात शायद आप सभी लोगों को प्राइमरी स्टेज पर समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं. जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा वो हम ग्रुप में करेंगे, मैं करूं या सारे टीचर्स एक साथ करें, इसमें आप अपना वीडियो बना सकते हैं, बनाना है इसमें आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, इसमें ऐसी और भी कोई चीज आप तैयार कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सर यस हमें तनुश्री मैम ने बताया था चार्ट्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं और फाइल्स बना सकते हैं. हाँ मैंने उसके अलावा तीन बातें और बना ली हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारा क्या पूरा ही काम ऑनलाइन कर रहे हैं. अब जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में 32 या 33 बच्चे हैं और हमने 5 ग्रुप्स बनाए, 6 और 7 का एक ग्रुप बना लिया और ये सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करेंगे, उनका कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन रहेगा. अब हमारी अग्रिमा है वो बहुत दूर कहीं चली जाके बैठी हुई है, कहाँ गई हुई है? सतना. सतना जो नहीं है अपना, यहाँ से बहुत दूर है सतना है. अब सतना और अनुमेगा एक साथ है, हमारा लक्ष्य भी कहीं दूर है, कहाँ गया बेटा लक्ष्य? वो तो कहीं चला गया, बीच में चला गया, उज्जैन. अच्छा और आदित्य तो यहीं पर है ना बेटा? आदित्य यस सर मैं यहीं पर ही हूँ. वेरी गुड. तो
दूर दूर लोग हैं, तो बताइए आपको अगर किसी बात पर डिस्कशन करना है तो कैसे करेंगे आप? फोन से, सर फोन से, और तरीका कॉल करके, फोन के अलावा सर हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करके कर सकते हैं आप, सर मैसेंजर पे चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, यू कैन आल्सो कंडक्ट मीटिंग लाइक अस। जैसे मान लीजिए कि मुझे स्क्रीन पर इस समय 6 स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, अनुरेगा अर्जुमा पंक्ति लक्ष आदित्य व्यो, तो मान लीजिए ये एक ग्रुप है, तो आप लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आप देखिए एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, आप अपना रोल प्ले तैयार कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। अब रोल प्ले में तो बड़ी दिक्कत है, मान लीजिए कि ये जो 6 बच्चे हैं ये एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये रोल प्ले करने वाले बच्चे एक जगह पे बैठे नहीं है, नहीं बैठे एक जगह। तो मान लीजिए कि लक्ष्य ने एक रोल प्ले लिख लिया और सभी को रोल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो सर उसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं आप बता रहे हैं उससे। हाँ लेट मी कंप्लीट। तो अब मान लीजिए लक्ष्य ने अपना डायलॉग बोला, उसका एक वीडियो बना दिया, उसके बाद का डायलॉग अपने सौम्या ने बोला, अग्रिमा ने बोला, पंक्ति ने बोला, इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और जो आपके पास वीडियो मिक्सचर होता है जिससे आप वीडियो के अलग अलग वीडियो को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, तो सबको मिक्स करके आपका एक कंप्लीट वीडियो तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से भी रोल प्ले अपना कर सकते हैं, आप अपनी कोई स्टोरी लिख सकते हैं, आप अपनी एक कविता लिख सकते हैं। और आपको आदित्य जो हमारा क्लास का बच्चा है, इसलिए जनरल नॉलेज में शुरू से ही इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं आदित्य शर्मा जी? हाँ, तो आदि आदि हमको बहुत सारी जानकारी दे सकता है अबाउट द नागालैंड एंड मणिपुर दे सकता है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम इंडिविजुअल करेंगे या हम पूरी क्लास का एक साथ होगा सारे सब्जेक्ट्स का। बात आपको क्लियर हो गई? तो धीरे धीरे थर्सडे कमिंग थर्सडे को पूरी टीचर्स की मीटिंग है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो ये काम जब हम शुरू करेंगे तो इसमें सभी की प्रेजेंस कंपलसरी है, क्योंकि ये सारा सीबीएसई को जाएगा, जो भी आप काम करेंगे ये सारा सीबीएसई को जाएगा। तो इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखें कि जब भी आप अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अपनी यूनिफॉर्म में करेंगे, यूनिफॉर्म में करेंगे, तो आपका एक प्रेजेंटेशन का एक डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन में प्रेजेंटेशन हो। ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, और मैं आपको गाइड करूंगा, आपके और टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन आप ग्रुप को, हाँ ग्रुप भी फॉर्म कर देंगे बेटा, चिंता मत, बहुत जल्दी ग्रुप फॉर्म कर देंगे, और मैं ही अपने तरफ से ग्रुप फॉर्म कर दूंगा, आपको उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। गर्ल्स जो है वो अपने ग्रुप में रहेंगे और बॉयज अपने एक ग्रुप में रहेंगे, मतलब गर्ल्स के 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बॉयज और गर्ल्स नंबर के हिसाब से रहेंगे, जिससे बॉयज और गर्ल्स को दिक्कत ना हो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करने में। ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे मान लीजिए सॉइल का हमने लिया, तो नागालैंड की सॉइल कैसी होती है, नागालैंड की सॉइल पर कैसा वो होता है, कौन से क्रॉप्स होती है, हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ के सॉइल या क्रॉप से रिलेटेड फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना? आप मेरी बात को कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जिससे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर कोई भी डाउट क्योंकि अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको या टीचर्स, क्योंकि रेगुलर तो हम लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं, देवे सर 2 दिन मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट टीचर 2 ही दिन मिल पाते हैं, तो हम सभी आपको गाइड करेंगे।
लेकिन आपको पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। क्या जितने भी शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी हैं, ठीक है, ये वाला काम नहीं होगा, यो यो हनी सिंह, ठीक है। और जो कम एक्टिव रहते हैं, जैसे हमारे आदित्य शर्मा जी हैं, ये आरुष है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों आदि? आरुष और आदित्य, इनकी दोनों की मम्मी और पापा से मैं बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ, और दोनों ही फेसबुक में रहते हैं, है ना आदित्य, कि फेस टू में रहते हो? आदित्य कहाँ रहता है? फेसबुक, फेस टू, फेस टू, फेस टू। हाँ, तो मैं रेगुलर फेसबुक और फेस टू घूमते रहता हूँ। कभी भी मैं घर पहुंच के, और ठंड में जब पिटाई लगती है तो थोड़ा बहुत तेज लगता है ना, मम्मी मारती रहती है, तो पिटाई होता है। आरुष बेटा, मेरी बात सुन रहा हूँ? यस सर। हाँ, इतना एक्टिवनेस दिखाता क्यों नहीं है? पापा से बात तो नहीं करनी पड़ेगी ना किसी के बारे में? चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग जब भी ये काम शुरू होगा तो पूरी तरीके से आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ओके बेटा, नाउ एंड टुडे आई विल कम टू गेम। सौम्या, किसने लिखा था? सौम्या शर्मा जी, मिश्रा जी, कौन लिख रही है? क्यों आ रही है तू गेल भाई? सर, पापा को कुछ काम है। हाँ, तो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हम लोग, बाहर से कोई बच्चा नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं, चुपचाप घर में बैठी रहे, घूमती रहती है हमेशा जब देखो। ओके, नहीं आ जा, मजा कर रहा हूँ। ओके, विल सी अबाउट रिप्रोडक्शन इट्स वीडियो एंड हाउ दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट टू। For the beauty of the plant, but they plant a very important role in the life of a plant. You have studied that flowers are the reproductive part of the plant. Every flower has a male reproductive part known as the stamen and the female reproductive. Already I told you about the male and female reproductive part of a plant. In sexual reproduction, these male and female both are very important. And in class 6, you learned about stamen and pistil. Stamen is the male part of flower, pistil is the female part. The part known as the pistil. Come, let us go outside in the garden. Look at any flower. Can you tell which part is the stamen and which is the pistil? Now try to draw a flower. Come to understand it well, let us go to Shyam's house. Today his teacher taught them about this topic in the school. The objective of this video is to understand how sexual reproduction occurs in plants. Didi, today we learned about the different parts of the plant. I had no idea that the flower has a male and a female part, and that the flower is the reproductive part of the plant. Yes, Shyam, the flower is a very important part of the plant. Tomorrow we are going to the flower garden near the lake. I am very excited. I am going to take my drawing book and colors. Wow, that is great. Look at all the flowers carefully and try and find out everything about them. Next day, Shyam and his classmates reach the flower garden with their teacher. Yes, yes, I also reach with them in the garden. How can I miss so many colorful flowers? It is my favorite place. Children, look at all the flowers here. Try and learn about the different parts of the flower. Remember to only observe the flowers which are fallen and do not pluck any flowers. Then we all will discuss what you all have observed.
Shyam, Meena, come here. Look at this Jamini flower. Do you remember that we had seen its picture and the teacher had told us that it is a unisexual flower? Already I told you the meaning of unisexual or bisexual flower. Unisexual having either male or female part. And bisexual, it has both male as well as female part. So this chameli flower is a unisexual flower. Yes, these flowers have either male or female reproductive parts. Look at this rose flower. This is a bisexual flower. We saw its picture. And if you would like to check, rose flower is available with you. Remove the petals. In the center part, you will see the stamen. What stamen contains? Stamen contains anther. Anther beta. Stamen mein kya hota hai? Anther hota hai. And when you remove the petals of the rose flower, in the center you will get a female part. If female part contains three parts, ovary that contain ovules, style and stigma. So anther lands on the stigma. That is called the reproduction process. Yes, friends, the children are thinking the right thing. Some flowers are unisexual because they either have male or female reproductive parts. And some flowers are bisexual as they have male and female reproductive parts in them. This hibiscus flower, easily you can see male and female part of the flower. This is stamen and in the center there is a female part. The reproductive part is known as the stamen and the... Is it clear to all? So, ek kaam aap sabhi bachche, wo kaam kya karenge ki aaj aap jo bhi flowers hain, aapke paas alag alag type ke flowers hain, to try to check is a unisexual flower or bisexual flower. Is it clear to all? Any question? Sir, what is the difference between pollination and reproduction? Actually, beta, pollination, this word we use in case of flower, especially flower. Actually, kya hota hai? When anther of the stamen lands on the stigma of the same flower, ek hi flower hai, usi ka anther usi ki stigma par aa gaya hai, to ye kehlayega self pollination. लेकिन इसका एंथर किसी और फ्लावर के सेम टाइप के फ्लावर या डिफरेंट टाइप के उसमें लैंड्स होता है तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द वर्ड विच इज स्पेसिफिकली बी यूज फॉर द फ्लावर बिकॉज पोलेन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर. दैट्स व्हाई. एनी अदर डाउट? ओके, शांति पर. साई राम सर. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Sai Ram, 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 Sai Ram